धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एआईसीसी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा अपने समर्थकों को पंचायत चुनाव हेतु आगे लाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में धर्मशाला के दाड़ी स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहा। मौका था कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह का। समारोह में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से चुनाव लड़ने के चाहवान सुधीर का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। सुधीर ने पंचायत प्रधान से लेकर पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के लिए ताल ठोकने वाले लोगों से अलग अलग बैठकें करके पंचायत चुनाव की रणनीति की। कांग्रेस के स्थापना दिवस के बहाने पंचायत चुनाव की रणनीति बनाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस द्वारा बूथ अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के विभिन्न अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुधीर शर्मा ने इस दौरान सभी पदाधिकारियों से चर्चा कर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस जो है उसको यहाँ ब्लॉक कांग्रेस के कार्यालय में मनाया गया और हमने जो हमारे बूथों के अध्यक्ष थे उनको खास तौर पर आज यहाँ आमंत्रित किया था। और उसके साथ साथ जो अग्रणी संगठन हैं, जैसे कि युवा कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, इन सभी को आज निमंत्रण दिया गया था। और आज स्थापना दिवस के साथ साथ जो है पंचायती राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, उसके बारे में भी अभी इस मीटिंग के बाद जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये सही है कि ये जो कृषि सुधार बिल आए हैं, ये बहुत लंबे समय से इनके ऊपर चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बाद जो है वर्तमान सरकार इनको लेकर के आई, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में इनको पास किया गया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लेकर के और जो एपीएमसी की मंडियां हैं उनको लेकर के, ये दो चीजें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस का ये मानना है कि अगर ये दोनों चीजें हट जाएंगी तो जो किसान है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और इसी को लेकर के आज किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं।